दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टफ के एक और नए एपिसोड में, सैटरडे के शाम वाले एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 2500 का। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं सैमसंग के साथ और सैमसंग के अपकमिंग रगेड स्मार्टफोन के साथ। सैमसंग गैलेक्सी एक्स कवर 5 जो सैमसंग का अपकमिंग रगड़ सकने वाला स्मार्टफोन है, बहुत अलग अलग जगह पे ना सर्टिफाई वगैरह हो चुका है, बट पहली बार यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी एक्स कवर 5 जो है इसकी लाइव रेंडर्स जो है ये लीक हो चुके हैं। इवान ब्लास ने सैमसंग के अपकमिंग रगेड स्मार्टफोन का ना जो फ्रंट है उसके लुक को पूरा का पूरा लीक कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट द सैमसंग गैलेक्सी एक्स कवर 5 स्मार्टफोन इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। और गाइस वीवो बहुत जल्दी अपनी वीवो X60 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है इंडिया में, बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीवो के एक नए वायरलेस ईयरफोन्स भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। जी हां, इनका नाम होगा वीवो वायरलेस ईयरफोन्स, यही नाम है इनका, और ये ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब हो गए हैं सर्टिफाइड। दैट मींस यस, अगर आपको वीवो एज अ ब्रांड में इंटरेस्ट है और अगर आप वीवो के ईयरफोन्स खरीदना चाहते हैं तो ये मेरे हिसाब से नेक बैंड्स होंगे ब्लूटूथ वाले, ये बहुत जल्दी अब आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस ओप्पो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपनी ओप्पो फाइंड X3 सीरीज के स्मार्टफोन्स। ओप्पो फाइंड X3, X3 प्रो, X3 नियो और X3 लाइट, ये चार स्मार्टफोन्स जो हैं ये तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले कि ये 11 मार्च को ओप्पो फाइंड X3 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। टर्न्स आउट यही होगा, बिकॉज ओप्पो के जो ऑफिशियल चाइना की वेबसाइट है वहां पे ओप्पो फाइंड X3 सीरीज के लॉन्च जो इवेंट होती है ना उसकी डिटेल्स हो चुकी हैं लाइव। नॉट जस्ट दैट गाइस, ओप्पो फाइंड X3 सीरीज की पहली फर्स्ट एवर लाइव शॉट जो है, ऑफिशियल इमेजेस जो हैं ये भी निकल के आ चुकी हैं। जो रेंडर्स लीक हुए थे ना, जो आप लोग कह रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईफोन 12 सीरीज से थोड़ा इंस्पायर्ड कॉपी डिजाइन है, वही आपको ओप्पो फाइंड X3 सीरीज के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये तो बात थी ओप्पो की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की, बट ओप्पो बहुत जल्दी अपनी F सीरीज के भी कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। ओप्पो F19, F19 प्रो और F19 प्रो प्लस, ये तीन स्मार्टफोन्स जो हैं ये भी अब बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। और F19 प्रो प्लस जो होगा ना ये होगा एक 5G स्मार्टफोन। और गाइस आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है F19 प्रो प्लस स्मार्टफोन को लेके। एज इट टर्न्स आउट इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200, जी हां डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर आया था ना कुछ टाइम पहले 20 जनवरी को अनवेल किया था मीडियाटेक ने, तो ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक लेफ्ट अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा वाली 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको ओप्पो F19 प्रो प्लस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। और गाइस ओप्पो के स्मार्टफोन्स की न्यूज़ यहीं पे खत्म नहीं होती, फाइंड X3 सीरीज होगी, F19 सीरीज होगी, अब A सीरीज की बात करते हैं। तो गाइस ओप्पो अपनी A सीरीज का ओप्पो A74 स्मार्टफोन जो है इसको भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। और मुकुल शर्मा के स्टफ लिस्टिंग्स जी ने ओप्पो A74 स्मार्टफोन को आज स्पॉट कर लिया है सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। सिंगापुर आता है एशिया में और एशियन मार्केट में हमें ओप्पो A74 जो स्मार्टफोन है अब बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सिंगापुर आता है एशिया में, वाह क्या बात की। वैसे सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ओप्पो की रेनो सीरीज का, रेनो 5 सीरीज का एक और स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 5Z ये भी अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये भी सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे हो चुका है सर्टिफाई। और IMDA सर्टिफिकेशन की आज की जो कहानी है उसको खत्म करते हैं रियलमी के साथ। रियलमी 8, रियलमी GT ये सारे स्मार्टफोन्स के बारे में आगे बात करेंगे, बट रियलमी का एक एंट्री लेवल रियलमी C21 जो स्मार्टफोन है ना ये भी अब बहुत जल्दी हमें एशियन मार्केट में मिलने वाला है। IMDA वेबसाइट पे Realme C21 जो स्मार्टफोन है ये भी अब सर्टिफाई हो चुका है। और गाइस बात करते हैं फिर से सैमसंग की। तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए थे और हमारी वीडियोस जो है ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स की, और ऊपर कार्ड में उनका लिंक वगैरह मैं लगा दूंगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा है कि यार गैलेक्सी S21 सीरीज और बहुत सारे स्मार्टफोन्स के ना रिव्यूज वगैरह भी बनाया करो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जल्दी आपको गैलेक्सी S21 सीरीज की जो फुल रिव्यू वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार सैमसंग ना अपडेट्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना 4 साल के गारंटीड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच वाले अपडेट जो हैं सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में देगा, सैमसंग ने बोल दिया है। और यहां पे लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स में इंडिया में मार्च 2021 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है ना फरवरी महीने में ही रोल आउट होना शुरू हो चुका है। सो यस, अगर आप गैलेक्सी S21, 21 प्लस या 21 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स में से किसी भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं या फिर अमीर लोग हैं आपके पास तीनों स्मार्टफोन्स हैं, तो मार्च वाला जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है रोल आउट हो चुका है, इसको आप अपडेट करके अपने स्मार्टफोन को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं।
और गाइस बात करते हैं Realme की, तो यार Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। Redmi Note 10 को वो टक्कर देने के लिए हो सकता है Realme अपनी Realme 8 सीरीज को भी बहुत जल्दी लॉन्च कर दे। बट अभी के लिए Realme GT जो स्मार्टफोन है ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं चाइना में, ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में भी लेके चलो, बहुत जल्दी आपको Realme GT जो स्मार्टफोन है देखने को मिलने वाला है। आज Realme ने बहुत सारी कंफर्मेशन दी है स्मार्टफोन को लेके। पहली बात तो ये कि Realme GT का जो रिटेल बॉक्स होता है ना वो ऑफिशियली टीज कर दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Realme GT retail box is going to look like. Not just that, Realme ने आज बताया कि Realme GT smartphone में हमें Dolby Atmos support देखने को मिलेगी, dual stereo speakers होंगे और साथ में आपको linear motors इस smartphone में देखने को मिलने वाली हैं। तो guys ये सारे वाक्यात जो हैं ये बयान की हैं Realme ने खुद से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने spot किया है Realme GT smartphone को Geekbench database website पे। Android 11 of course आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा, 12GB होगी RAM, 12GB RAM variant confirm हो चुका है आज की यार आपको Realme GT smartphone में मिलने ही वाला है। एंड यस ऑफ कोर्स Qualcomm का Snapdragon 888 प्रोसेसर आपको Realme GT स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। Geekbench स्कोर्स की अगर हम बात करें तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गाइस लगे हाथों बात कर लेते हैं Poco की, तो Poco X3 Pro स्मार्टफोन तो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मिड मार्च के आसपास आप लेके चलो। कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि Poco X3 Pro स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा ही होगा, बट Poco F2 स्मार्टफोन का क्या? तो Poco F2 भी आने वाला है, Poco F2 या Poco F3 जो भी इसका नाम होगा ये भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बट यहां पे Poco ना अपनी तरफ से कुछ छेड़खानियां वगैरह बीच बीच में करता रहता है और Poco का जो लेटेस्ट ईस्टर एग है Poco F2 स्मार्टफोन को लेके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस एक स्टफ लिस्टिंग सारवी मेंबर हैं देवराज विश्वास जी इनका नाम है, इन्होंने स्पॉट किया है एक नया ईस्टर एग poco.in/f2। अगर आप ये टाइप करोगे ना क्रोम पे जाके अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके, अभी मत करना पूरी वीडियो देख के बाद में जाके आप चेकआउट कर लेना, होता है वर्कआउट कर रहा है। तो poco.in/f2 अगर आप टाइप करते हो अपने ब्राउजर पे स्मार्टफोन पे या अपने लैपटॉप वगैरह पे, तो यार क्या हो रहा है ना Poco की जो वेबसाइट है वो आपको रिडायरेक्ट कर रही है एक YouTube वीडियो में। Never gonna give you up, गाना सुना आपने? Never gonna give you up। अब गाना ज्यादा मैं नहीं गाऊंगा बिकॉज मीम वगैरह बन जाते हैं, बढ़िया मतलब Poco कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ यहाँ पे दे रहा है हिंट्स वगैरह कि Poco F2 जो स्मार्टफोन है हो सकता है अब जल्दी आ जाए या फिर हो सकता है ना आए। क्या लगता है आपको इस हिंट को लेके? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन आप हमें बता सकते हैं। और गाइस Poco की बात होगी लगे हाथों बात कर लेते हैं Redmi Note 10 सीरीज की भी। तो गाइस Redmi Note 10 सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, Redmi ने तो अपना ये बॉक्स भी भेज दिया इनवाइट वाला बड़ा सा। इसके बीच में ना बहुत ही एक तगड़ी चीज मेरे को मिली, ये एक स्टिकर मिला है स्टे ट्यून्ड वाला और ये मेरे को पता चला कि कुछ लकी स्टिकर है, इसका भी कुछ आगे रेलिवेंस होने वाला है। तो स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी और स्टफ लिस्टिंग्स हम लोग लकी लोग हैं, मेरे को ये मिला है और Redmi Note 10 सीरीज को मतलब अनबॉक्स वगैरह हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। बट आज फाइनली Redmi ने ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि Redmi Note 10 सीरीज के एटलीस्ट एक स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है। अब IPS LCD पैनल होगा या फिर AMOLED पैनल होगा ये तो कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा, बट आपको क्या लगता है AMOLED पैनल होने के चांसेस हैं कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। So, चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म। और उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, लीक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, मेरा मजाक करना पसंद आ रहा है, सारी चीजें पसंद आ रही है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके अच्छे से डिवाइस पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म OnePlus के साथ। OnePlus की 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, मार्च महीना आ रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो OnePlus भी अपने OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R स्मार्टफोन्स को करने वाला है लॉन्च। और OnePlus 9 9 Pro तो चलो इंडिया में आने ही थे, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि OnePlus 9R जो स्मार्टफोन है ये भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे मुकुल शर्मा AK स्टफ लिस्टिंग्स AK आपका फेवरेट जो लीकिस्टर है उसने OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R के मॉडल नंबर्स को कर लिया है स्पॉट। OnePlus 9 Pro आएगा, R आएगा, तो OnePlus 9 भी लेके चलो, बहुत जल्दी लिस्ट भी हो जाएगा और लॉन्च भी हो जाएगा। एंड यस अगर आप OnePlus 9 सीरीज के OnePlus 9 9 Pro का वेट कर रहे थे वो तो आएगी ही आएगी, बट OnePlus 9R का अगर आप वेट कर रहे थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि यार आपके हिसाब से Poco का जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन होगा इसका नाम क्या होना चाहिए, Poco F2, Poco F3 या माई चॉइस, आपकी अपनी चॉइस जो भी है कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे 78% लोग कह रहे हैं Poco F2, मतलब कुछ नहीं नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हमें Poco F2 ही चाहिए। Poco F3 आप उसके बाद लॉन्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमें Poco F2 ही चाहिए। और मैं अभी आप लोगों से 100% यहाँ पे अग्री करता हूँ, नाम हो तो Poco F2 हो।
और गाइस आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, Redmi Note 10 सीरीज का ये जो 120 हर्ट्ज वाला स्मार्टफोन होगा ना, चलो 120 हर्ट्ज तो कंपनी ने खुद से बता दिया, बट आपका दिल क्या कहता है, ये 120 हर्ट्ज प्लस IPS LCD होगा या फिर 120 हर्ट्ज प्लस AMOLED होगा? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले ये देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आपका कोई कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस ये थी आज की वीडियो, आज की न्यूज, सैटरडे की न्यूज, और वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं कल के फाइन स्टाफ विन स्टाफ के विनर का नाम। मुबारकबाद ब्रदर, आप जीत चुके हैं कल का फाइन स्टाफ विन स्टाफ। जल्दी से 24 घंटे के बीच में स्टाइलिस्टिंग्स को कीजिए DM, सो दैट आपका जो प्राइज है हम आपको भेज पाए। और आज की वीडियो में भी कहीं ना कहीं पे है सम स्टाफ, फाइंड दैट स्टाफ विन सम स्टाफ। So guys, ये थी इस हफ्ते की लास्ट टेक स्टफ। अगले हफ्ते तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे एक्सक्लूसिव्स और बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी, गिव अवे भी हो सकता है हम कर लें। सो यस, अगले हफ्ते का मैं तो वेट कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। मिलते हैं 8 बजे टेक स्टफ के एक और नए एपिसोड में मंडे को, बट उससे पहले कल है संडे और संडे स्टफ भी आने वाला है। ऑसम टाइम्स अहेड, एंजॉय कीजिए वीकेंड को, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। जाओ चलो मिलते हैं, लॉन्च होने वाली है। ओके आज हो चुका हो। तीन चीज पोको की तो क्या, इस पोको है गिव यू अप, बहुत सारे लोग ओके।